पाकिस्तान के 10 ऐसे रोमांटिक ड्रामे जिनकी कहानियां सीधी दिल को छू जाती हैं, और ये ऐसे ड्रामे हैं जिन्हें देखते हुए बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और अगर आपने इन ड्रामों में से किसी को नहीं देखा तो भाई अभी से देखना शुरू कर दें, आप बाकी ड्रामों को भूल जाएंगे। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और ये वीडियो लाजमी देखें। ड्रामा सीरियल तुम कौन पिया। नाज़रीन, इस ड्रामे का शुमार बेहतरीन रोमांटिक ड्रामों में होता है, जिसमें जहां एक तरफ ड्रामे में रोमांस देखने को मिला, वहीं पर ड्रामे की जज्बाती कहानी ने देखने वालों को रुला दिया। ये महामलिक का लिखा हुआ ड्रामा था जिसे दानिश नवाज ने डायरेक्ट किया, और इस ड्रामे में आयजा खान और इमरान अब्बास ने मरकजी किरदार निभाया, जो बाद में पाकिस्तान की बेहतरीन ड्रामा जोड़ी बनी। ड्रामे की कहानी दो ऐसे कजन्स के गिर्द घूमती है जो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं और आपस में मोहब्बत में मुबतला हो जाते हैं, लेकिन क्लास डिफरेंस की वजह से ये मोहब्बत अधूरी रह जाती है। ड्रामा सीरियल तुम कौन पिया 2016 में उर्दू 1 पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत का सीजन 1। दिल छू जाने वाले स्टोरी पर बनने वाला ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत एक ऐसा ड्रामा है जो अपने वक्त में ऐसा शायकीन के दिलों को भाया कि आज भी दिलों में जिंदा है। ये एक बेहतरीन पाकिस्तानी रोमांटिक ड्रामा था जिसे आशिम नदीम ने लिखा और बाबर जावेद ने डायरेक्ट किया। ड्रामे में रोमांस के साथ साथ पाकिजा मोहब्बत और रूहानियत देखने को मिलती, और फिर ये ड्रामा इतना हिट हुआ कि इसके 3 सीजन बन चुके हैं। ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत में इमरान अब्बास और सादिया खान ने मरकजी किरदार निभाया, और दोनों की अदाकारी के साथ साथ जोड़ी को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत का पहला सीजन 2011 में जियो टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल रक्से बिस्मिल मोहब्बत की लाजवाब दास्तान पर बढ़ने वाला एक ऐसा पाकिस्तानी ड्रामा जिसकी कहानी ने देखने वालों के दिलों को छू लिया, और ये ड्रामा ऐसा शायकीन में पाया कि इंडियन शायकीन में भी बहुत मकबूल हुआ। हाशिम नदीम रक्से बिस्मिल के राइटर थे और वजाहत रऊफ ने डायरेक्ट किया। ड्रामे की कहानी एक सैयद घराने से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान के गिर्द घूमती है जो एक नाचने वाले से मोहब्बत करता है और इश्क में अपनी गद्दी तक छोड़ देता है। ड्रामा सीरियल रक्से बिस्मिल में इमरान अशरफ और सारा खान ने मरकजी किरदार निभाए, और दोनों ही की अदाकारी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, जबकि दीगर मेन कास्ट में अनुशी अब्बासी, महमूद असलम, मोमिन साकिब और जारा शेख शामिल थे। ड्रामा सीरियल रक्से बिस्मिल 2020 में हम टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल सदके तुम्हारे एक हकीकी मोहब्बत पर बनने वाला मास्टरपीस पाकिस्तानी ड्रामा जिसकी कहानी में रोमांस और मोहब्बत देखने को मिलती है, और ड्रामा खलीलुर रहमान कमर की हकीकी मोहब्बत पर था जो इन्होंने ही लिखा और मोहम्मद एहतशामुद्दीन ने डायरेक्ट किया। ड्रामे में माहिरा खान और अदनान मलिक ने मरकजी किरदार निभाए, और इन दोनों ही की रोमांटिक स्टोरी और फिर अदाकारी इतनी सॉलिड और उम्दा थी कि ये ड्रामा अपने वक्त में बेहद मकबूल हुआ। ये एक बेहतरीन पाकिस्तानी ड्रामा था जिसकी कहानी एक शहर का लड़का जिसे गांव में रहने वाली अपनी कज़न से मोहब्बत हो जाती है इसके गिर्द घूमती है, और इस मोहब्बत के लिए इन दोनों को कठिन मराहल से गुजरना पड़ता है। ड्रामा सीरियल सदके तुम्हारे 2014 में आम टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल मन माइल रोमांस और जज्बात से भरपूर ड्रामा सीरियल मन माइल का शुमार पाकिस्तान के शोरा आफाक ड्रामों में होता है, जिसने एक अरसे तक शायकीन के दिलों पर वार किए रखा। ड्रामे की कहानी एक ही मोहल्ले में रहने वाले ऐसे जोड़े के गिर्द घूमती है जो बेहद मोहब्बत करते हैं, लेकिन कुदरत इन्हें एक करने के लिए बड़ा इम्तिहान लेती है। ड्रामा सीरियल मन माइल को समीरा फजल ने लिखा और हसीब हसन ने डायरेक्ट किया। ड्रामे की लीड कास्ट में हमजा अली अब्बासी और माया अली थे, और इन दोनों की जज्बाती अदाकारी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, जबकि आयशा खान और मिर्जा गौहर रशीद भी अहम किरदारों में शामिल थे। ड्रामा सीरियल मन माइल हम टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल बिन रोए नाजरीन ये एक ऐसा पाकिस्तानी ड्रामा है जो दुनिया भर में हिट हुआ, और ये ड्रामा रोमांस और इमोशन से भरपूर था जिसकी कहानी कमाल की थी, और फिर ये ड्रामा इतना अमेजिंग है कि देखते हुए ड्रामे की कहानी सीधी दिल को छू जाती है। ड्रामा सीरियल बिन रोए को फरहत इश्तियाक ने लिखा और शहजाद कश्मीरी ने डायरेक्ट किया। ये एक लव ट्राइंगल टाइप ड्रामा है जिसमें 3 किरदारों की जिंदगियाँ आपस में जुड़ी होती हैं। इस ड्रामे में हुमायूं सईद, माहिरा खान और मरीना खान ने
मरकजी किरदार निभाए और इन सभी ही की अदाकारी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। ड्रामा सीरियल बिन रोए 2016 में हम टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल मेरा नाम यूसुफ है दिल छू जाने वाली कहानी पर बनने वाला एक ऐसा ड्रामा जिसने दुनिया भर में धूम मचाए रखी और बेहद मकबूल हुआ। इस ड्रामे में रोमांस और इमोशंस और थ्रिल का खूब तड़का देखने को मिला। ड्रामे में यूसुफ और जुलेखा की मोहब्बत बहुत पसंद की गई। ड्रामा सीरियल मेरा नाम यूसुफ है को खलीलुर रहमान कमर ने लिखा और महरीन जब्बार ने डायरेक्ट किया। ड्रामे में इमरान अब्बास और माया अली ने मरकजी किरदार निभाए और फिर क्या कमाल की अदाकारी और स्टोरी देखने को मिली इस ड्रामे में। ड्रामा सीरियल मेरा नाम यूसुफ है 2015 में ए प्लस एंटरटेनमेंट पर ऑन एयर हुआ और फिर कई इंडियन चैनल जिंदगी स्टार प्लस और लाइव ओके जैसे बड़े चैनल्स पर भी दिखाया गया। ड्रामा सीरियल दिल लगी। नाजरीन ये एक फुल ऑफ रोमांटिक ड्रामा है जिसने भी देखा वो आज तक दिल लगी को भूल नहीं सका। ड्रामे की स्टोरी हो डायलॉग या फिर जज्बाती अदाकारी हर चीज ही ऐसी जो सीधी दिल में उतर जाए। ड्रामे की कहानी एक गुंडे के गिर्द घूमती है जो एक घर खाली कराने जाता है और फिर वहाँ एक लड़की को देख कर दिल हार जाता है। इस ड्रामे को फायजा इफ्तखार ने लिखा और नदीम बेग ने डायरेक्ट किया। ड्रामे में हुमायूं सईद और महवेश हयात ने मरकजी किरदार निभाया जिनकी जोड़ी बहुत मकबूल हुई जबकि सबा हमीद इमरान अशरफ उज़्मा हसन और मिर्जा जैन बेग भी अहम किरदारों में शामिल थे। ड्रामा सीरियल दिल लगी 2016 में एआर वाई डिजिटल पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल प्यारे अफजल पाकिस्तानी तारीख का मास्टरपीस ड्रामा जो शायद इतना हिट हुआ कि अपने वक्त में कई बड़े बड़े ड्रामों को पीछे छोड़ दिया। ये एक फुल ऑफ रोमांटिक ड्रामा है जिसकी कहानी एक मौलवी सुभान अल्लाह के बेटे अफजल के गिर्द घूमती है जो अपने ही मोहल्ले में रहने वाली लड़की से सच्ची मोहब्बत करता है लेकिन फिर इस लड़की से रुसवा होकर अपना शहर छोड़ जाता है। ड्रामा सीरियल प्यारे अफजल को खलीलुर रहमान कमर ने लिखा और नदीम बेग ने डायरेक्ट किया। ड्रामे में आहिजा खान और हमजा अली अब्बासी ने मरकजी किरदार निभाए जबकि दीगर कास्ट में सोया अली अब्रू सना जावेद अनुशी अब्बासी सबा हमीद और फिरदौस जमाल जैसे बड़े अदाकार शामिल थे। ड्रामा सीरियल प्यारे अफजल 2013 में एआरवाई डिजिटल पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल हम सफ़र नाजरीन पाकिस्तान का एक ऐसा रोमांटिक ड्रामा जिसे मौजूदा ड्रामा इंडस्ट्री का ट्रेंड मेकर ड्रामा समझा जाता है और इस ही ड्रामे के बाद पाकिस्तानी ड्रामे इंडिया में देखे जाने लगे। ड्रामा सीरियल हम सफ़र एक फुल ऑफ रोमांटिक ड्रामा है जिसे फरहत इश्तियाक ने लिखा और सरमद सुल्तान खुसर ने डायरेक्ट किया और इस ड्रामे में मायरा खान और फवाद खान ने मरकजी किरदार निभाए और दोनों की इस ड्रामे के जरिए इतनी जोड़ी हिट हुई कि इंडिया में ये ड्रामा खूब हिट हुआ। इस ड्रामे में रोमांस के साथ साथ कई अहम फैमिली इश्यूज को भी बड़ी खूबसूरती के साथ दिखाया गया। ड्रामा सीरियल हम सफर 2011 में हम टीवी पर ऑन एयर हुआ। नाजरीन ये है वो बेहतरीन पाकिस्तानी ड्रामे जिनकी स्टोरी सीधी दिल को छू जाती है और अगर आपने इन ड्रामों को पहले नहीं देखा तो एक बार जरूर देखें आपको बहुत मजा आएगा। बाकी इन ड्रामों के वाले से आप क्या राय रखते हैं, आपको कौन सा ड्रामा अच्छा लगता है या फिर कोई आपने ड्रामा इनमें देखा हुआ है तो आपने कॉमेंट्स के जरिए हमें बता देना है। वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब अगर अभी तक भी आपने नहीं किया ताकि आने वाली तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।